एक बार एक शहर में एक बहुत ही गरीब और ईमानदार व्यापारी रहा करता था। उस व्यापारी की एक लड़की थी। वह लड़की रोज पीपल के पेड़ में जाकर जल चढ़ाया करती थी। उस पीपल की खास बात यह थी कि उस पीपल के पेड़ से लक्ष्मी माता प्रकट होती थी और थोड़ी ही देर में वह अपने आप वहां से चली जाया करती थी। एक दिन जब उस व्यापारी की लड़की रोज की तरह पीपल के पेड़ में जल चढ़ाने के लिए आई, तब पीपल के पेड़ से लक्ष्मी माता प्रकट हुई। लक्ष्मी माता ने व्यापारी की लड़की से कहा, क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? लेकिन उस पर व्यापारी की लड़की ने कहा, पहले मैं घर जाकर अपने पिताजी से पूछ लूं, फिर उसके बाद आपको बताऊंगी। उसके बाद उस व्यापारी की लड़की घर गई। घर पहुंचकर उसने अपने पिताजी से कहा, पिताजी, आज जब मैं पीपल के पेड़ में जल चढ़ा रही थी, तब लक्ष्मी माता वहां पर प्रकट हुई थी और उन्होंने मुझसे कहा कि क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी। तब उस व्यापारी ने लड़की से कहा, स्वयं लक्ष्मी माता तुमको अपना दोस्त बनाने के लिए बोल रही हैं। इससे बड़ा सौभाग्य और क्या होगा, तुम उनको अपना दोस्त बना लो। उसके बाद अगले ही दिन जब व्यापारी की लड़की पीपल के पेड़ में जल चढ़ाने के लिए गई, तभी वहां फिर से लक्ष्मी माता आई और उन्होंने उस व्यापारी की लड़की से एक बार फिर से पूछा, क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? तुमने अपने पिताजी से पूछ लिया क्या? तब लड़की बोली, हाँ माता, मैं आपकी दोस्त बनूंगी। लक्ष्मी माता और उस व्यापारी की लड़की आपस में अच्छी दोस्त बन गईं। थोड़े ही दिनों में लक्ष्मी माता और व्यापारी की लड़की के बीच गहरी मित्रता हो गई। एक दिन जब व्यापारी की लड़की पीपल पर पानी चढ़ाने के लिए गई, तब लक्ष्मी माता ने उससे कहा, तुम मेरे घर पर भोजन करने के लिए आओ। व्यापारी की लड़की ने घर जाकर अपने पिताजी से पूछा कि पिताजी, लक्ष्मी माता मुझे अपने घर पर बुला रही है भोजन करने के लिए, क्या मैं वहां जा सकती हूँ? उस व्यापारी ने अपनी बेटी से कहा कि लक्ष्मी माता ने तुमको भोजन पर बुलाया है, वहां पर जा सकती हो, ये बड़े सौभाग्य की बात है। व्यापारी की लड़की लक्ष्मी माता के घर भोजन करने चली गई। जैसे ही व्यापारी की लड़की लक्ष्मी माता के घर पहुंची, तब लक्ष्मी माता ने अपनी सहेली का स्वागत किया और उन्होंने अपनी सहेली को शॉल ओढ़ने के लिए दी, सोने के सिक्के, सोने की थाल और सोने की चौकी, और अपनी सहेली को 36 प्रकार के स्वादिष्ट भोजन बनाकर खिलाए। लक्ष्मी माता के घर से भोजन करके जब वह लड़की जाने लगी, तब लक्ष्मी माता ने उससे कहा कि मैं भी तुम्हारे घर भोजन करने के लिए आऊंगी। अब वह व्यापारी की लड़की सोच में पड़ गई। उसने सोचा, लक्ष्मी माता के घर तो सभी प्रकार का वैभव है, लेकिन मर्यादा स्वरूप उसने कह दिया, बिल्कुल बिल्कुल, आप भी हमारे घर भोजन करने आइए। व्यापारी की लड़की अपने घर चली गई। घर पहुंचकर वह एक जगह जाकर शांति से बैठ गई। वो अपनी लड़की को इतना शांत और विचारों में डूबा हुआ देखकर व्यापारी ने अपनी लड़की से पूछा, क्या हुआ बेटा, तुम इतनी चिंतित क्यों लग रही हो? तभी बेटी ने बताया, पिताजी, लक्ष्मी माता हमारे घर भोजन करने के लिए आने के लिए बोल रही हैं। कल वह हमारे घर पर भोजन करने आएंगी। उन्होंने तो मेरा स्वागत बहुत ही अच्छे तरीके से किया था। मुझे सोने के सिक्के, सोने के थाल, सोने की चौकी और 36 प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन बनाकर खिलाए, लेकिन अब मैं सोच रही हूँ कि उनको क्या खिलाऊंगी, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। तभी व्यापारी ने अपनी लड़की से कहा कि तुम अपने घर को गोबर से अच्छी तरीके से चारों तरफ से लीप लो और पूरे घर की सही ढंग से सफाई कर लेना। एक दिया जलाकर जो चारों तरफ से जलता हो उसको लेकर लक्ष्मी माता का नाम लेना और रसोई के पास बैठ जाना।
व्यापारी की लड़की ने अपने पिताजी की बात मानते हुए वैसा ही किया जैसा उसके पिताजी ने उससे करने के लिए कहा था। उसके बाद व्यापारी की लड़की घर की साफ सफाई करके रसोई के पास लक्ष्मी जी का नाम लेकर और एक लड्डू लेकर बैठ गई। तभी अचानक से एक जगह पर एक रानी स्नान कर रही थी, तो उसका सोने का हार जो बहुत कीमती था एक चील वहां से उड़ा कर ले गई। उस चील ने उस हार को उस व्यापारी की लड़की के पास गिरा दिया और उस व्यापारी की लड़की के हाथ से लड्डू छीन कर ले गया। व्यापारी की लड़की सोने के हार को देखकर बहुत प्रसन्न हो गई और वह तुरंत उस हार को लेकर बाजार गई। बाजार पहुंचकर उसने सुनार को वह सोने का हार दिया और उसके बदले में उस व्यापारी की लड़की ने सुनार से कुछ पैसे लिए, जिससे वह 36 प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन बना सके और सोने के सिक्के, सोने की चौकी, थाली उस हार के बदले सुनार से ले ली और वह यह सब सामान लेकर अपने घर आ गई। घर पहुंचकर उसने तरह तरह के 36 प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन बनाए। व्यापारी की लड़की ने गणेश जी से कहा, अब आप लक्ष्मी माता को लेकर आइए। गणेश जी लक्ष्मी माता को लेकर उस व्यापारी के घर में आ गए। व्यापारी की लड़की ने लक्ष्मी माता का खूब स्वागत किया, उन्हें बैठने के लिए चौकी दी। उसने लक्ष्मी माता से कहा कि आओ बहन, अब इस चौकी पर बैठ जाओ। लक्ष्मी माता ने अपनी दोस्त से कहा कि मैं आज तक किसी के घर में चौकी में नहीं बैठी। व्यापारी की लड़की ने कहा, आज आपको मेरे घर पर चौकी पर बैठना ही पड़ेगा, अब दोस्ती की है तो निभानी तो पड़ेगी। लक्ष्मी माता ने अपनी दोस्त की बात मानकर चौकी पर बैठ गई और फिर व्यापारी की लड़की ने लक्ष्मी माता को 36 प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन कराए। और जैसे लक्ष्मी माता ने अपने घर पर व्यापारी की लड़की का स्वागत किया था और उसको तरह तरह के व्यंजन बनाकर खिलाए थे, ठीक उसी प्रकार व्यापारी की लड़की ने भी लक्ष्मी माता को अपने घर पर खूब स्वागत किया और उसे विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन परोसे। और जैसा जैसा लक्ष्मी माता ने किया था वैसा वैसा ही व्यापारी की लड़की ने भी किया, जिससे लक्ष्मी जी अपनी दोस्त से बहुत खुश हो गई और उन्होंने अपनी दोस्त को बहुत सारा धन दिया। पर अब उस व्यापारी की और लड़की की सारी गरीबी दूर हो गई थी। उन लोगों ने अपना जीवन खुशी खुशी व्यतीत करना शुरू कर दिया।